सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम अपने फार्म पे ही हैं और आज हम जो एनिमल हमारे फार्म से सेल हुए हैं या अदरवाइज कोई भी किसान भाई फीडिंग के लिए काफ़ी फ़ोन करते हैं कि आप फीड क्या डालते हो जो इतना दूध निकाल रहे हैं एनिमल, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताएं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई आज चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए एक से एक शानदार और जो नॉलेजफुल वीडियो या किसी अच्छे एनिमल को आपके समक्ष लेके आएँ वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आगे हम दाने के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताते हैं। तो आज हमारे पास जो हम अपने एनिमल्स को डालते हैं उसमें से ये फीडिंग है, इसमें एक एक करके डिटेल से बताऊँगा। पशुपालक भाई थोड़ा ध्यान से देखें, अगर किसी भाई का भी पशु प्रोडक्शन नहीं दिखाता तो मेरी फुल गारंटी होगी। इसके अंदर मैन है जो बड़े मियाँ की या बनोड़े की खड़ है हमारे यहाँ, ये इसमें मैन फीडिंग मानी जाती है क्योंकि हर जगह ये उपलब्ध भी नहीं है। उसके बाद हम इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं तो मैं लास्ट तक वीडियो देखें बिल्कुल डिटेल से समझाऊँगा। ये है चने का खंडा जो कि चने की दाल बोलेंगे हम DOC, इसमें थोड़ा नमकीन टाइप होता है ताकि एनिमल के डाइजेशन के लिए भी इसको बड़ा खुश होके खाता है। इसके बाद ये गेहूँ का छिलका जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है, और ये मक्की जो हमने स्पेशल ऑर्डर करके पंजाब से मंगवाई थी, और ये सभी फीडिंग्स में से कुछ हम लेके आते हैं। ये चने की चुरी है और ये हर चीज़ अलग अलग तरीके से आगे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये है सोयाबीन की जो चूरी मिलती है हमारे यहाँ, लेकिन इसमें वो क्वालिटी नहीं है, हमने पहली बार ली है। और मैन ये बनोड़े की खड़ है, ये दूध के हिसाब से फीडिंग डालें 1-1.5 किलो खड़ सुबह भी होते हैं पशु के लिए, और इसके अंदर जो बड़े मियाँ है वो इस खड़ के अंदर ही होता है। इससे पशु को एनर्जी और मिल्क में इसका मैन एक हम कहेंगे कि काम होता है। दूसरे नंबर पे चने की चूरी, पहले हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो भिगो के देनी है आपको। ये चने की चूरी है और इसको भी भिगो के देना पड़ता है। इसके बाद ये सोयाबीन, आप सोयाबीन की चूरी के बजाय मैं कहूँगा कि आप DOC ले लें क्योंकि इसमें वो क्वालिटी नहीं है। सोयाबीन में इतना वेट नहीं होता जो कि 50 किलो की पैकिंग हो, लेकिन जो हमने ख़रीदी है वो 50 किलो की पैकिंग है तो इसमें वो क्वालिटी नहीं है, मिलावटी सौदा ये। इसके अंदर ये है चने का खंडा जो कि हमारे यहाँ के पशु इसको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। ये चने का छिलका जो कि चने के छिलके में सबसे ज़्यादा चोकर बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है, ये भी हम भिगो के देते हैं। और इनमें मेन फीडिंग में अगर देखा जाए तो जो मक्की है, ये मक्की के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ये सभी चीज़ें जो बताई हैं ये हम भिगो के देते हैं। ये है कणक गेहूँ जिसको कि हम पका के देते हैं, और जब पकाते हैं उस टाइम हम इसके अंदर ये गुड़ है ये पकते हुए के अंदर लगाते हैं ताकि जो पशु का डाइजेशन सिस्टम सही रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 दिन पे यूट्रस उसका क्लियर होके और वो प्रेग्नेंट होने के लिए हीट पे आने के लिए तैयार हो जाता है। हम ये सब फीडिंग है देखिए अलग अलग तरह की, इसीलिए समझाइए कि हर पशुपालक भाई को ये आराम से समझ में आए। तो ये चीज़ें हम मिक्स करते हैं और इन सबको फीडिंग टाइम से पहले भिगो देते हैं। जैसे शाम को दाना देना है तो सुबह इसको 9 बजे भिगो देते हैं, शाम तक 3-4 बजे तक ये भीग के तैयार हो जाती है। इसमें जिस हिसाब से दूध की प्रोडक्शन हो धीरे धीरे हम ये फीडिंग बढ़ाते जाते हैं। और मैन फिर ये जो कणक है इसको पकाने के गुड़ उसमें पकने के बाद इसको भी इस भिगोए हुए के अंदर डाल लिया, और ये सभी एक किसी भी बर्तन में मिक्स कर लिया। और इसमें मेन है ये ऑयल, सरसों का तेल है। ये जब ये सारी चीज़ें पकने के बाद या भीगने के बाद तैयार हो जाएं, इसके अंदर एक टाइम का 100 ग्राम सरसों का तेल, और इन सबसे ज़्यादा कहूँगा कि गर्मी के सीज़न में दूध की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कारगर ये है खांड, देसी खांड। इसको हम इसकी प्रक्रिया मैं आगे पूरी दिखाऊंगा। इसको हम पशु को दोपहर में 11 बजे जो पानी पिलाते हैं 10 या 11 बजे के आसपास, उसके अंदर हम इसमें मान के चलो 0.5 किलो खांड 2.5-3 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं। और ये ऑयल है ये, इसको हम जब ये दाना सारा जो भिगोया है वो और जो पक के तैयार हो जाए उसके अंदर 100 ग्राम ऑयल डालते हैं,
और वो पशु को डाल देते हैं, जो कि ऑयल इसमें डालने के बाद डाइजेशन सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त है। कुछ पशुपालक पता नहीं क्या पॉलिश का तेल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं डालडा घी डालते हैं। देखिए वो सबसे मैं कहूँगा कि पशु एनिमल है ये बोलता नहीं, इसके साथ सबसे छिछोरी हरकत होगी। तो आगे मैं ये खांड का प्रोसेस है ये आपको क्लियर समझाऊंगा। तेल काफ़ी कारगर है ये, आगे जैसे खांड को देने का प्रोसेस है वो भी आप आराम से बिल्कुल क्लियर देखिए। खाली बाल्टी के अंदर जैसे 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर पानी डाल लिया, और फिर इसके बाद में इसके अंदर जो हम खांड है ये डालें 1/2 किलो, क्योंकि कई बार ये एनिमल को पानी की प्यास नहीं और हम बाल्टी फुल भर के उसमें डाल दें तो वो जा नहीं पाती। ये लीवर पे जो गर्मी से जो चर्बी बन जाती है जिससे एनिमल कम खाता है, उसको हम कहेंगे कि उस चर्बी को हटाने में इसका मेन काम है। और पशु ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो पेशाब है उसके ज़रिए उसके शरीर की सारी गर्मी बाहर आ जाएगी और वो अच्छा खाने लगेगा और दूध की प्रोडक्शन भी 1 से 1.5 किलो की नॉर्मल दिखाएगा। आगे जो हमने दाना भिगोया है, जैसे ये बताया था, ये हमने ये चीज़ें भिगो दी कंप्लीट, इसके अंदर जो भिगोने वाली थी, और जो कणक गेहूँ का दलिया है वो हम पका के देते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी पशु हो उसको फीडिंग में, जैसे किसी को गेहूँ पसंद है, किसी को मक्की पसंद है, जिसको जो चीज़ पसंद हो वही खिलाओ और आपका पशु दूध गारंटेड दूध बढ़ाएगा। तेल का यूज़ करते रहें हमेशा, क्योंकि तेल है वो एक किस्म से पशुओं के लिए बिल्कुल रामबाण है। जैसे ही आप तेल देना शुरू करो, प्रतिदिन 100 ग्राम तेल दो तो उसके शरीर की स्कैनिंग चुआई है वो और भी फोली हो जाएगी और वो शांत स्वभाव कर लेगा बिल्कुल। तो इस तरह हमने आपको ये डिटेल्स बताई, और आगे भी इन फ्यूचर हम अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो हम आपको और भी वीडियोज़ ऐसी डालते रहेंगे। और कुछ समय के बाद अभी वीडियोज़ पे हम काम पूरा जो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कुछ समय से हम बिजी थे। आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं सभी भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लास्ट में जो भी भाई नए जुड़े हैं वो इस चैनल पे पहली बार, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम राम राम।